Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely well. So आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ the best time to eat if you want to lose weight. Now अगर हमें weight loss करना होता है तो there are certain factors जो matter करते हैं हमारी weight loss journey में. सबसे पहला factor होता है हम क्या खा रहे हैं, हम balanced diet ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. Second factor time का भी होता है. Time भी बहुत ज़्यादा important role play करता है जब हम बात करते हैं weight loss की या fat loss की. So आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ. Now according to me, first जो आपको मील लेना चाहिए दैट शुड बी आफ्टर 8 AM. 8 AM के बाद आपको कुछ भी खाना चाहिए, उसके पहले कुछ भी नहीं लेना चाहिए. एंड आफ्टर 7 PM आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए. मतलब आपकी जो ईटिंग विंडो होनी चाहिए शुड स्टार्ट फ्रॉम 8 AM एंड इट शुड एंड टिल 7 PM. एनी वेयर इन बिटवीन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद आपको नहीं खाना है, 8 AM के पहले नहीं खाना है. नाउ देर आर कपल ऑफ रीजन्स इसके पीछे कि मैंने ये टाइम क्यों कंक्लूड किया है. सबसे पहला रीजन है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं इस फिटनेस जर्नी में. तो जब मैं वेट लॉस कर रही थी, दिस वॉज द टाइम जो मैंने तब स्टार्ट किया था खाना, क्योंकि मैं लेट डिनर्स करती थी तो मैंने थोड़ा अर्ली डिनर करना स्टार्ट कर दिया. मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी तो मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली सुबह उठकर भूख लगती थी. तो आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट दैट वॉज ऑलवेज आफ्टर 8 AM. समवेयर अराउंड 9 AM मैं अपना फर्स्ट मील लेती थी एंड द लास्ट मील यूज टू बी बिफोर 7 PM. ये टाइम मैंने स्पेशली रखा ही इसलिए था जिससे कि मैं ये लाइफ लॉन्ग कर पाऊँ, सिर्फ 2-3 दिन या 2-3 महीने के लिए नहीं, जब तक सिर्फ मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन लाइफ लॉन्ग कर पाऊँ. तो इसीलिए अभी तक मेरी हैबिट बनी हुई है और मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ स्पेसिफिक या मैं अपने कोई रूल्स में रह रही हूँ, क्योंकि 7 PM तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ. अब आदत पड़ गई है और अब इतना वियर्ड नहीं लगता, अब मुझे रात में भूख भी नहीं लगती है, इवन इफ आई स्लीप लेट इन द नाइट. नाउ एक तो ये फैक्टर हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. नाउ आई विल टॉक अबाउट कि मैंने रिसर्च क्या किया है. नाउ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करता है, जैसे जैसे सन ऊपर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा वर्क करना स्टार्ट हो जाता है. जैसे जैसे लेकिन सन नीचे जाता है, मतलब हमारा जो सनसेट होने लग जाता है धीरे धीरे करके, वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी धीरा होता जाता है. इसीलिए माई ऑल डाइट प्लान्स हैव वेरी लाइट डिनर जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो भी हमारा हम खाना खाते हैं वो धीरा डाइजेस्ट होता है, इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. एंड दैट इज वाई खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें सोना चाहिए. मतलब अगर हम 7 बजे खाना खा रहे हैं तो हमें 9 बजे के बाद ही सोना चाहिए. तो ये सब चीजें का अगर हम ध्यान रखते हैं, ये कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दे विल प्ले द मेजर रोल इन योर वेट लॉस और इन योर फिटनेस जर्नी, क्योंकि आप इन्हें लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ. नाउ हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिज़ाइन भी इसी तरीके से हुई है कि मॉर्निंग में उठकर हमें नहाना होता है, खाना खाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वो सब करने होते हैं, लेकिन रात में जो टाइम है वो सोने का होता है, ना कि वो खाने का और ना ही वो नहाने का होता है, राइट? तो वो इसीलिए होता है क्योंकि दैट्स हाउ आर बॉडीज आर सपोज टू वर्क. सो वी शुड वर्क इन दैट मैनर ओनली. एंड येस, देर इज़ वन मोर थिंग कि कुछ लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो इफ़ यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड आप अगर ये सोचकर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं दैट आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप वो करो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे. अगर लगे तो मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट विथ मोर पीपल और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज. एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय.